खुदा ताला फजूल में किसी को जिंदगी नहीं बख्श देता। तो आपकी जिंदगी दूसरों पर इम्पैक्ट डालती है। यू एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। तो इंसान है ना, इंसान ना उम्मीद हो जाता है, कहता है कि यार मेरी जिंदगी एक बोझ है, मेरी जिंदगी किसी पर क्या असर डालती होगी। वेल दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। तो कभी आपने ये सोचा है कि आपकी जिंदगी के होने से कई लोग मोटिवेट हुए हैं? तो कभी आपने ये सोचा है कि आपके इस जिंदगी के होने से कई लोगों की मदद हुई है? या फिर कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपसे जो गलत काम हुए हैं उन गलत कामों की वजह से कई लोगों के काम अच्छे हुए हैं, यानी कि आपकी मिस्टेक से कई दूसरे लोगों के काम बने हैं? और ऐसे जुमले भी मत यार कहा करो कि काश मेरी जिंदगी होती ही ना, काश मैं पैदा हुआ ही ना होता। तो एक मिसाल आप लोगों को देता हूँ कि एक आदमी था, वो कहता था कि या खुदा काश के मैं पैदा ही ना हुआ होता, मुझे मार दे। खुदा कहता है मैं तुझे मार तो नहीं सकता, हाँ ये ज़रूर दिखा सकता हूँ कि अगर तू पैदा ना हुआ होता तो क्या होता। तो खुदा उसे दिखाता है, उसका घर वैसा का वैसा होता है, उसकी माँ, उसका बाप, उसका छोटा भाई। तो उसने ये कहा होता है कि काश मैं पैदा ही ना हुआ होता, तो उसका भाई पूल में गिरकर डूबकर मर जाता है। वो उस वक्त वहाँ पर था, वो उसे बचा लेता है, उसका भाई बच जाता है। लेकिन उसने ये कहा हुआ होता है कि काश के मैं पैदा ही ना हुआ होता, इस वजह से वो वहाँ पर नहीं था, तो उसका भाई पूल में गिरा और मर गया। तो इतना याद रख लो कि आपकी ज़िंदगी का इस दुनिया पर होना फजूल में नहीं है। खुदा ताला फजूल में किसी को ज़िंदगी नहीं बख्श देता। तो आपका इस दुनिया में होना बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहा है, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव ला रहा है। यू एग्जिस्ट फॉर अ रीज़न। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यार वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।